ये दूसरा डब्बा आप पैक हो रहे हैं, ये टेप लग रही है। सामान हम लेके आ रहे हैं, अब रखना गाड़ी के ऊपर रखना शुरू कर दिया इन्होंने। ये अब सारा सामान ना अंदर डिग्गी में सेट करना है। हाँ, कुछ डिग्गी में, कुछ सीटों पे। हाँ बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज जुमे का दिन था और जुमा पढ़ने के बाद मतलब मेरी सुबह से तबीयत खराब थी, बड़ी मुश्किल से जुमा पढ़ा। जुमा पढ़ने के बाद फिर रेस्ट किया, फिर रेस्ट करते करते काफ़ी टाइम गुजर गया। तो मैंने कहा नहीं, तैयारी तो करनी है, जहरी बात है। आपको पता है कि हमने जैसा कि घर ले लिया है सिटी में और अब शिफ्टिंग का प्लान करना है। मगरब की अजान का टाइम हो चुका है तो अब हिम्मत पड़ के ना ये हुआ कि मैंने कहा व्लॉग शुरू करते हैं। अभी अजान आ रही है तो अजान के बाद आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, बात हो रही थी अब ना शिफ्टिंग का, जहरी बात है सामान वगैरह हमने शिफ्ट करना है तो पैकिंग शैकिंग वो भी आप लोगों से मशवरा करना है कि एक तो हम क्या क्या लेके जाएं। ये सारी चीज़ें तो उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल है, या कुछ चीज़ें वहाँ से ख़रीदें, ये भी सारी चीज़ें मशवरा करनी है। और किचन के बर्तन तो ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ ले जाने पड़ेंगे, और कुछ ना कुछ रात को सोने और बैठने के लिए भी लेके जाना पड़ेगा। कार्टन वगैरह आज मैं ले आता हूँ और उसमें कुछ सामान वगैरह पैक करते हैं। शिफ्टिंग करना बड़ा मुश्किल काम है, पता नहीं लोग किस तरह करते हैं, और अपना घर छोड़ना तो बहुत ही मुश्किल काम है। बेगम जी, मैं वही कह रहा था, आप सामान वगैरह आपका क्या बंदोबस्त करना है? मैं तो समझी थी सिर्फ घर देखते हैं, जाके रहना शुरू कर देते हैं। मुझे तो खुद बुखार हुआ खड़ा है आज, मेरी बड़ी तबीयत सारा दिन खराब रही है। खुद अजीब सी ऐसे ना, मैं बस जैसे मुझे ना किसी ने, अब मैं ऐसा करता हूँ कोई कार्टन वगैरह ले आता हूँ। जाहिर बात है सामान अब हम ऐसे तो नहीं उसमें डाल सकते ना, वो तो जिसने लेके जाना है वो तो तोड़ फोड़ के जाएगा। किसी वो कैरेज वाले से भी बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जो सामान वगैरह उठाता है तो उससे भी बात करते हैं। और कुछ कर्टन भी ले आता हूँ, इसमें ये बर्तन शर्तन अब आपने कोई चॉइस कर लो। हाँ, क्या क्या चीजें यहाँ से ले जाने जरूरी है और क्या चीजें यहाँ पे रखनी, जैसे बात हमने कभी यहाँ पे भी तो आना है ना, ये तो नहीं कि वहाँ पक्का पक्का हो जाना है। नहीं नहीं, अभी तो हम देखेंगे कि हमारी भाई हिम्मत भी पड़ती है, जेब कब तक ज्यादा देती है। हाँ बस बड़ा सच्ची कुछ ये मतलब अपने घर से निकलना बड़ी औखी बात है, बड़ा मुश्किल है यार। और खैर, लेकिन ये बात है कि ना भाई हमने बहुत सोचा कि भाई बच्चों की वजह से क्या करें, इधर भेजते हैं तो बच्चे खजल ख्वार होते हैं, खुद घर से निकल रहे हैं तो अपने ऊपर घड़ा टूट रहा है। लेकिन काफी लोगों ने कहा हिम्मत की है तो अब चले जाएं, तो बस वही मैं कार्टन का पता करूं पहले। हाँ पहले कार्टन ले आओ, दिन गायब होने वाला बिल्कुल, पहले बड़ा टाइम लेट हो चुका है। देख लेना जितने लेके आने हैं, एक ऊपर पड़ा है ना बड़ा, पता नहीं है? वो पुराना है, आप और ले आना, वैसे निकाल लूंगी ऊपर से भी। अच्छा, वो हमने ना असल में फेंक दिए थे, हमें बहुत सारे कमेंट्स में आया था कि आप ये रख लें, बर्तन इन्हीं में रहने दें। तो बस फिर हमने कहा जाना है। हाँ जी, अब जरूरत पड़ रही है, अब तो जरूरत पड़, वही कहते हैं जब चीज घर में होती है तब जरूरत नहीं होती, जब चीज को निकाल दो ना तब उसकी फौरन जरूरत पड़ जाती है, फौरन ही पड़ती है। और अभी 3 महीने हुए हैं, ये जो सारे गिफ्ट वगैरह आए थे ये सारे डब्बे मैंने फेंके थे, और सबने कमेंट्स में कहा था ये रखे रखे, मैंने उठा के ठा 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 फेंक दी। चलो मैं पता करूं। चलो ले आए? ओए नहीं यार, ना सिर्फ दो मिले हैं। क्यों, दुकान वालों के पास नहीं होते? यहाँ पे नहीं है, मट्टी ऐसे लाए हो ना पूरे जान की मट्टी इन डब्बों के साथ, ये तो फटे हुए हैं। हाँ ये मजे के भी नहीं है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ना अभी हो गई रात, सुबह मैं जाऊंगा ना वो साथ वाले गांव, वहाँ दुकानें बड़ी हैं तो वहाँ से मैंने बड़े मिल जाएंगे। चलो वो टेप भी ले आऊंगा चिपकाने वाली, उसकी भी जरूरत पड़ेगी ना। हाँ जी बिल्कुल, वो भी मिल जाएगी। हाँ इनको रख दो, बाकी वाले ना वो फिर कल ले आएंगे। तो जी ये अभी से यहाँ का सीन ये बना के ये तो बहुत ही दो ही मिले हैं मुझे यहाँ पे दुकानें हैं छोटी छोटी किराने की। तो सुबह फिर इंशाल्लाह, अभी रात हो चुकी है, अभी रेस्ट करते हैं, थोड़ी सी तबीयत भी सेट हो जाए। पता नहीं क्या ऐसे ना अजीब सी एग्जाइटी सी है पूरे जिस्म में ना। तो खैर कल इंशाल्लाह फिर निकलेंगे, और मैं ना पहले ले आऊँगा कार्टन, उसके बाद पैकिंग शेकिंग भी करेंगे और आप लोग से शेयर भी करेंगे। नेक्स्ट गुड मॉर्निंग, मतलब दूसरा दिन है, और कल का दिन हमारा ऐसे गुजर गया था। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, सर में ना इतनी शदीद दर्द थी, पता नहीं क्या वजह थी, सारा दिन और रात को भी काफ़ी रही, और ऐसे ना गैस सी नहीं बन जाती जिस पेट के अंदर, उसकी गैस सी बनी है, पता नहीं क्या सीन है, पर खराबी रही काफ़ी, बड़ी अजीब सी तबीयत रही है।
खैर उसको छोड़ते हैं जी, आज दूसरा दिन है और दूसरी सुबह आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने नाश्ता कर लिया और अभी बन रही है चाय और मैं कुछ चीज़ें पैकिंग के लिए लेके आया हूँ, मैं आपको दिखा दूँ अभी किचन में। तो यहाँ पे बन रही है चाय, बल्कि चाय बन चुकी है, उबल चुकी है, चाय पी लेते हैं। चाय ये उबल के वैसे नज़र आ रहा है। ये देखिए ये मैं कार्टन वगैरह ले आऊँ छोटे छोटे ना, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह के मिक्स हैं। तो इसमें वगैरह सामान वगैरह डालते हैं। एक और भी रखा था मैंने, आज सुबह सुबह मैंने पानी लगाया इनको ना, पौधों को दो दिन हो गए थे नहीं लगाया था। ज़्यादा पानी भी कहते हैं नहीं लगाना चाहिए, ज़रूरत के हिसाब से लगाना चाहिए। तो ये भी एक है। क्या क्या चीज़ें ले जाएँ यहाँ से जो ज़रूरत की है, वो ना सारा फर्नीचर ले जाना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बताऊं जो हमारे बेड हैं ना वो बहुत हैवी हैं, वो उठा के रखने डालने ले जाने बहुत मुश्किल है। ये सोफ़े वगैरह तो बंदा लेके जा सकता है, मतलब ये वाला सोफ़ा है ये आपको ने देखा हुआ है, एक सोफ़ा यहाँ पे है, ये इधर कपड़े भी पता नहीं यहाँ पर क्या है स्यापा हुआ पड़ा है। खैर एक सोफ़ा हमारे पास ये है एल शेप वाला, ये यहाँ से भी हम लेके जा सकते हैं, ये फिर भी कदरे ठीक है। लेकिन जो हमारे बेड है ना ये भी चलो हम लेके जा सकते हैं, ये भी इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बेड है ना हमारे बेड वो बहुत हैवी है, वो उठाने डालने बहुत मुश्किल है। आज तो ऐसा करते हैं ना बर्तन और सिलेंडर और इस तरह की जरूरियात लेके जाते हैं, बिस्तर वगैरह रख आते हैं कुछ जो गाड़ी में आता है, बाकी जो सामान है वो नेक्स्ट शिफ्ट में कोई करेंगे, फिर वहाँ देखेंगे ना अपना क्या है। डब्बे मैं अंदर लेके आ चुका हूँ और ये डब्बे मैंने लिए अभी ना एक दुकान से, और अभी किचन में। हाँ जी अब आप अपने कौन कौन से बर्तन निकालने वाला, तो बेगम यहाँ पे बर्तन निकाल रही हैं जो जो ज़रूरत के हैं उनको हम डब्बों में पैक कर लेते हैं। सामान तो सारी बात है जो यहाँ पे है सारा ही ज़रूरत का होता है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल में आता है। क्या लेके? ओवन, ओवन ओवन भी ले जाएंगे, लेकिन अभी ये बर्तन वगैरह तो रखा है ना जो खाने पीने का है। अच्छा ये बर्तन मैं निकाल रही हूँ, ये दो हॉट पॉट है, एक यहीं पड़ा रहे और एक ले जाती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ स्टील वाला चम्मच जो है वो यहाँ पे रख दो। हाँ वो ये यहाँ पे यूज नहीं करते ना, वो वहाँ बाहर पड़ा है, ये चम्मच वहाँ है, ये सारे चम्मच हैं इसमें। टेप से डालो सही तरह निकाल के। ऐसे ये प्लेट रखो, ये इसको बंद करके देखें, वो तो हो जाएगा, और भी चीजें हम आ जाएंगे इसमें। हाँ ये भी सही है, आज काम आ गया ना। हाँ देने लगे थे हम। हाँ ये देने लगे थे, ये टोकरी भी देने लगे थे किसी को। चलो सारा इसका सामान उठा के ले आइए। हाँ पाँव जितने अंदर है इसके और ऊपर न पड़े हों, चेक कर लेते हैं। ये एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ होने, एक कम है ना, आठ होने। हाँ जरूरी बात है, ये बर्तन एक डब्बा पैक हो गया इसको कवर कर दो, बात करो एक डब्बा पैक हो गया इसको कवर कर दो, ये देखो डाल दिया जो कुछ डालना है। एक वो लकड़ी वाला चिमटा डालना है, चमचे डालने हैं इसमें। हाँ तो डालो ना, मैंने सामान
सामान डाल दिया है और तो सवर आप ऊपर लगा रहे हैं, नहीं जो सामान ऊंचा रह रहा है ना वो निकाल दो। नहीं नहीं ऊंचा रहेगा, नहीं और पड़े हैं ना। अच्छा आगे तो ये टेप लगा लेते हैं। मेरे ख्याल में जिंदगी में पहली दफा कर रहे हो। ये शादी के बाद ऐसे काम करने पड़ते हैं। कहो बाल बच्चों के बाद शादी का भी शौक होता है और ऐसे कामों से जान भी जाती है। ऐसे सीधी करते हैं, सीधी करते हैं। ये टेप लग रही है। ये दूसरा डब्बा अब पैक हो रहा है। मैं तो समझी थी थोड़ा सा सामान ले। अब तीसरा डब्बा पैक हो रहा है यहाँ पे, इसमें भी बर्तन डाले जा रहे हैं। और अच्छा रख लेना यहाँ पे, आना है हमने। हाँ ये ना कि सारे उधर चले जाएं और फिर हम यहाँ फिर और लेते फिर। नहीं, नहीं, वहाँ तो हम नए ले सकते हैं ना। नहीं ये वो है जो यहाँ इस्तेमाल ही नहीं हुए। हाँ हाँ वो वाले ले जाओ, ये सही है। अच्छा अब आप लोगों ने बताना है वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ये तो बड़ा स्यापा बनेगा। मतलब हमें इधर भी सारी बातें जरूरत पड़ेगी, जिस तरह हमारा मिजाज है कि हम हफ्ते में एक दफ़ा ना आए तो मतलब दिल भी नहीं लगना हमारा, तो यहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये अब आप लोगों ने मशवरा देना है कि जो फ्रिज वगैरह है, वॉशिंग मशीन है, ये चीज़ें हैं, ये जो मोटी मोटी आइटम्स हैं ना उनका क्या करें। आप लोग जो शिफ्ट करते हैं ना वो बताएंगे। हाँ शिफ्टिंग वाले वो अच्छी तरह समझते हैं कि जो अक्सर लोग ना मतलब आगे पीछे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, तो उनसे ना हमारे ज़रूर। ये क्या देख रही है? मैं सब काम करवाती हूँ, जब मैं झाड़ू देती हूँ तब आगे आ जाती है, बैठ जाती है, झाड़ू छीनने की कोशिश करती है। ये लो ये वाला ढक्कन। स्टील की प्लेटें भी पड़ी हैं। स्टील की प्लेटें ले जानी है। ये पड़ी है। ये हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं की। दोरा छोटा वहां से ले दोगे ना, ये तो यहाँ पड़ा है। अब बारी आ गई पर्दों की। हाँ ये भी ले जाने जरूरी है, पर्दे तो नहीं है वहाँ पे। हाँ हमें राड भी लेने पड़ेंगे। हाँ देखेंगे, नहीं तो धागों में डाल के ना, रस्सियों में, रस्सी में डाल के लटका लटका हाँ, दें। जब मुश्किल होंगे ना तब। हाँ अभी तो नहीं जरूरत इनकी। हाँ इनके नहीं लगाने तो है ना विंडोज वगैरह पे। वो बिल्ली फिर अंदर घुस के। और बेडशीट वगैरह लेके जानी है। हाँ उठा लो उठा लो, जो चीजें उठाने वाली उठा लो। ये हमारी शादी की बेडशीट है, इसने बड़ा साथ दिया। अच्छा सामान वगैरह हमने काफी पैक कर लिया, कुछ यहाँ पे पड़ा है, कुछ यहाँ पे डब्बे पड़े हैं, अभी इनको रखना। मजे की बात मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इस सामान को हम अपनी गाड़ी पे लेके जा रहे हैं। अभी हम अपनी गाड़ी पे इसको इस सामान को लेके जाते हैं, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ सफाई सफूई ये वो वहाँ का सिस्टम पहले सेट कर लें, एक तरतीब शरतीब कर लें, उसके बाद ही बाकी का सामान लेके जाएं। मतलब कुछ चटाई सटाई कारपेट वगैरह या कुछ जो भी करना है वहाँ पे इंतज़ाम। यार बेड वाला आप लोगों ने हमें सोल्यूशन ज़रूर बताना कि बेड का क्या करें। वहाँ पे हम चटाई या कारपेट नीचे डाल के उसके ऊपर गद्दे लगा सकते हैं। हाँ मैं तो कहती हूँ कारपेट नीचे लगा के ऊपर गद्दे, लेकिन आप लोग बताइएगा कि मुनासिब क्या है। हाँ, बेड नए लेने बड़े महंगे हैं, ये ले जाना बड़ा मुश्किल है। हमारे पास एक इजाफी है यहाँ पे। और अभी सामान को ले जाते हैं और देखते हैं कि हमारी गाड़ी में ये सामान किस तरह आता है और लेके जाती है हमें भी और सामान को भी। तो जाके सफाई सफूई करके फिर शाम को वापस आ जाएंगे और फिर इंशाल्लाह कल या परसों जैसे ही कोई प्लान बनता है तो उस हिसाब से ना फिर हम बाकी का सामान किसी ट्रक श्रक पे लाद के लेके जाएंगे। अब तो आप लोगों ने देखना ही है हम क्या करते हैं और क्या ले जाते हैं और क्या छोड़ जाते हैं, क्या छोड़ जाते हैं। बहरहाल ये भाई इधर से उधर जाना आसान काम कोई नहीं, मुश्किल है भाई, बड़ा मुश्किल है। अब ले आओ सामान, रखें गाड़ी में है। हाँ। सामान हम लेके आ रहे हैं, अब रखना गाड़ी के ऊपर, रखना शुरू कर दिया इन्होंने। डिग्गी में खोलता हूँ। हाँ कुछ डिग्गी में कुछ सीटों पे। हाँ, ये सामान हमने कुछ डिग्गी में संभाल दिया है और इसको करते हैं अभी बंद। हो गई
और ये बाकी के कुछ सामान जो है ना ये हम रख देते हैं सीटों पे। ये फाइनली हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है, बच्चे भी अंदर बैठ चुके हैं, कुछ सामान हमने इसके अंदर भी रख दिया। और ये देखें हमारे बच्चे, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसका करते हैं यहाँ पे एंड। और इंशाल्लाह आपको जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ से एक नया व्लॉग शुरू करेंगे और उस पास सारी डिटेल बताएंगे, सेटिंग शूटिंग का भी और सफाई सफूई के बारे में भी। तो तब तक इजाज़त दे, दुआ में याद रखें, जा रहे खुश रहें और मुस्कुराते रहें। ढेर सारे दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। खोलो गेट, अल्लाह।